हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ फेस्टिवल स्पेशल स्वीट, बहुत ही टेस्टी और आसानी से बन जाने वाली मिठाई। मलाई पनीर लड्डू हैं, तो आइए इसे बनाना करते हैं शुरू। इसके लिए मैंने एक भारी तले की कढ़ाई को गर्म करने रखा है और उसमें 4 टेबल स्पून करीब देसी घी ऐड किया है और 1 कप दूध ऐड किया है, और इसे हम चलाते हुए कुक करेंगे। और गैस का फ्लेम अब हम मीडियम कर देंगे। और यहाँ पर मैंने 300 ग्राम पनीर लिया है और इसे ग्रेट करेंगे। ये पनीर मेरा होममेड है, आप चाहें तो घर में भी पनीर बना सकते हैं या मार्केट से भी पनीर ले सकते हैं। और ये मिठाई मार्केट में 1000-1200 रुपये किलो होती है, तो इसलिए इसे हम कम खर्च में और कम लागत में बनाकर तैयार कर रहे हैं, जो कि बहुत ही कम खर्च में बनकर तैयार हो जाती है। अब हम इसमें 4 टेबल स्पून करीब मिल्क पाउडर ऐड कर देंगे और मिल्क पाउडर ऐड करके हम इसे मिक्स करेंगे। इसमें चीनी ऐड करेंगे। जिस कप से हमने दूध लिया था उसका 1/4 कप हमें चीनी ऐड करनी है और इसे मिक्स करते हुए कुक करना है। गैस का फ्लेम मीडियम रखना है और चलाते हुए हम इसे कुक करेंगे। अब हमने जो ग्रेट करके पनीर यहाँ पर रखा है, तो वो पनीर भी अब हम इसमें ऐड कर देंगे और पनीर को भी इसमें मिक्स करते हुए और कुक करेंगे। बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होते हैं मलाई पनीर लड्डू, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब हम इसमें 1 चम्मच कुटी हुई इलायची ऐड कर देंगे। आप चाहें तो इलायची की जगह कोई और फ्लेवर भी ऐड कर सकते हैं, जैसे गुलाब का फ्लेवर या केवड़ा फ्लेवर, जो भी आपको पसंद हो। मैंने यहाँ इलायची ऐड की हैं और इसे हम गाढ़ा होने तक कुक करेंगे, जब तक कि ये घी को छोड़ दे। तो हमें इसे चलाते हुए, लगातार चलाते हुए हमें इसे कुक करना है। और देखिए, इसने घी छोड़ दिया है। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसे हम थोड़ा ठंडा होने देंगे ताकि हम इसे हाथ से मसल सकें और इसे एक प्लेन डो की तरह तैयार कर सकें। अभी ये बहुत गर्म है, तो हम 2-5 मिनट इसे ऊपर नीचे करते हुए ठंडा करेंगे। और अब ये थोड़ा ठंडा हो चुका है। अब हम इसे अपनी हथेली के निचले हिस्से से थोड़ा प्रेशर लगाते हुए और इसे मिक्स करेंगे ताकि इसमें जो पनीर की गुठलियाँ बनी हुई हैं वो बिल्कुल प्लेन हो जाए और एक सॉफ्ट सा डो तैयार हो जाए। तो हमें लगातार इसे मिक्स करना है 3 से 4 मिनट। और इसे मिक्स करते हुए हम ऊपर नीचे करते हुए इसे बार बार मिक्स करेंगे और 3 से 4 मिनट हम इसे मिक्स करेंगे। और आप देखिएगा, ये एकदम सॉफ्ट डो तैयार हो जाएगा और बहुत ही टेस्टी हमारे लड्डू बनकर तैयार होंगे। तो आप भी इस जन्माष्टमी पर ट्राई ज़रूर करिए मलाई पनीर लड्डू, बहुत ही टेस्टी और हेल्दी बनकर तैयार होते हैं और सभी को बहुत ही पसंद आएंगे। और मार्केट से सस्ते में हमने इसे बनाकर तैयार किया है। अब हम एक चम्मच की हेल्प से बराबर बराबर पार्ट लेंगे और लड्डू को तैयार करेंगे ताकि हमारे सभी लड्डू बराबर बन सकें, इसलिए मैंने यहाँ चम्मच का यूज़ लिया है। और बहुत ही आसानी से ये लड्डू बन जाते हैं। अब हम इन पर फूड कलर ऐड कर देंगे इन्हें गार्निश करने के लिए। 2 टेबल स्पून पानी में मैंने 1 पिंच फूड कलर डाला था और उसे मिक्स करके इसे गार्निश किया है।
और थोड़े से पिस्ते से हम इसे डेकोरेट करेंगे। तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे इसे गार्निश करते हुए, बहुत मज़ा आया। और जो लड्डू की जो खूबसूरती है वो बहुत बढ़ गई थी, बहुत इन्जॉय किया मैंने इसे गार्निश करने में और बहुत अच्छा लगा मुझे। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें आप, और मुझे बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।